गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज फाइंडिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग nth एलिमेंट। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये स्पेशली पीपीएस पेपर के लिए, यानी कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसके एल्गोरिथम को देखेंगे और फिर बाद में इसे इंप्लीमेंट करके मशीन में देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग nth एलिमेंट। अब क्या है कि इसमें जो डेटा मेंबर की जरूरत है वो क्या क्या है, तो हम एक n नाम का वेरिएबल लेंगे, n नाम का वेरिएबल लेंगे, और इस n नाम के वेरिएबल में हम लोग इनपुट कर लेंगे, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स हम ये ले लेंगे। ऐसे हम एरे ले लेंगे और एरे का साइज जो है अभी हम ले रहे हैं मैक्स, यानी कि 10 ले रहे हैं। ठीक है, और जो है इसमें एलिमेंट्स को हम इनपुट कर लेंगे। सपोज हम ये एलिमेंट्स हम इनपुट में ले लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनपुट हम यूजर से ले लेंगे। ठीक है, और एरे के साइज को हम डिफाइन कर लेंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमारा जो ये जो लॉजिक होगा, हम एक लार्ज नाम का वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, एक लार्ज नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और हम क्या करेंगे कि सबसे पहला एलिमेंट जो है, जैसे ए जीरो, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको हम लोग मान लेंगे कि ये मेरा लार्ज है, यानी कि अभी ये लार्ज एलिमेंट हमारा अभी क्या है, तो 11 है। और हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे आई को नेक्स्ट एलिमेंट से, यानी 1 से चलाएंगे, और कहां तक चलाएंगे, मैक्स तक चलाएंगे, यानी कि मैक्स माइनस 1 तक चलाएंगे, लेसर देन मैक्स तक चलाएंगे, यानी 9 तक चलाएंगे। और हम आगे पूछते चलेंगे कि क्या नाम है, जैसे हम सपोज हम एग्जांपल पे ले रहे हैं, हम यहां पर ले रहे हैं जैसे ए ऑफ आई, आई अभी हमारा क्या है, तो 1 है, यानी कि ए ऑफ आई यानी 2। तो ए ऑफ आई क्या लार्ज एलिमेंट से बड़ा है? अगर बड़ा है तो इस एलिमेंट को लार्ज एलिमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी तो यहां बड़ा नहीं है, 2 जो है 11 से बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर जाएंगे। फिर 5 जो है ये 11 से बड़ा नहीं है, तो फिर आई को इंक्रीज कर जाएंगे। 8 जो है वो 11 को बड़ा नहीं है, तो फिर आई को इंक्रीज कर जाएंगे। फिर 9 भी जो है 11 से बड़ा नहीं है, तो आई इंक्रीज कर जाएंगे। 10 जो है वो भी 11 से बड़ा नहीं है, तो आई को इंक्रीज कर लेंगे। 12 जो है, ये 12 जो है ये भी ये लार्ज से बड़ा है, ए ऑफ आई यानी कि आई का वैल्यू 6 है, सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस है, तो ए ऑफ आई यानी 12 ये लार्ज से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर लार्ज में हम क्या रख लेंगे, ए ऑफ आई के वैल्यू को रख लेंगे। ठीक है, तो ए ऑफ आई के वैल्यू को रखेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, अब ये 11 था, यहां 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, इसी तरह से आई इंक्रीज करेंगे। 56 क्या 12 से बड़ा है? तो यस, ये बड़ा है, तब क्या करेंगे, ए ऑफ आई के वैल्यू को, ए ऑफ आई के वैल्यू को लार्ज में रख लेंगे, यानी कि अब 12 के जगह पर हम क्या रख लिए, 56। फिर आई को इंक्रीज कर जाएंगे, 20 बड़ा नहीं है, फिर आई इंक्रीज करेंगे, है ना, 3 जो है ये भी बड़ा नहीं है। जब आई 10 पहुंच जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तो ये हमारा जो फाइंडिंग जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये हम 10 एलिमेंट्स पे निकाले हैं। ठीक है, ऐसे अगर nth एलिमेंट पे निकालना होगा तो हमें n नाम के वेरिएबल में इनपुट लेना होगा। ठीक है, तो अभी इसको एल्गोरिथम में हम लिख के देखते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम में वेरिएबल की जो जरूरत है वो क्या क्या है वो देखिए। int एरे नाम की वेरिएबल की जरूरत है, साइज अभी हम 10 ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है वेरिएबल हमारा मैक्स की जरूरत है, एक लूप चलाने के लिए आई की जरूरत है, और एन नाम के वेरिएबल की जरूरत है जिसमें हम ये मांगेंगे कि इंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स। ठीक है, मैक्स को जो है हम इनिशियलाइज कर देंगे 10 से। ठीक है, अब यहां पर हम इनपुट ले लेंगे, इनपुट इनटू एन, है ना, ये इनपुट ले लेंगे,
एरे में हम इनपुट ले लेंगे, इनपुट इनटू एरे, इनपुट ले लेंगे है ना, अप टू एन टर्म्स, हम एरे में इनपुट ले लेंगे अप टू एन टर्म। अब क्या करेंगे कि मैक्स जो आया है मैक्स को इनिशियलाइज कर देंगे फिर एन से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में हम लूप चलाएंगे फोर लूप, आई जो है, लेकिन इससे पहले हम ये बोले थे कि ए ऑफ जीरो की वैल्यू को हम किस में डाल देंगे, लार्ज नाम के वेरिएबल पर डाल देंगे। लार्ज नाम के वेरिएबल पर हम ए जीरो के वैल्यू को डाल देंगे, यानी पहला एलिमेंट को हम लार्ज मानेंगे, और आई जो स्टार्ट करेंगे वन से, और आई कब तक चलाएंगे, तो आई जो है ये लेसर देन मैक्स तक ये चलेगा, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये डिसीजन लेंगे, हम पूछेंगे कि क्या ए ऑफ आई जो है, ए ऑफ आई क्या बड़ा है लार्ज से, अगर ये लार्ज से बड़ा है, अगर ये लार्ज से बड़ा है तो लार्ज नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम ए आई को प्लेस कर देंगे, रख लेंगे। ऐसे करते करते लूप जब एंड होगा तो हमें देखिए लार्ज वेरिएबल में लार्जेस्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो स्मॉल नाम का एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है, स्मॉल नाम के वेरिएबल लेना होगा और उसमें क्या करना होगा, ए जीरो के वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना होगा, ठीक है। हम यहां स्मॉल नाम के वेरिएबल अगर ले लें और इसमें ए ऑफ जीरो के वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें, और यहां पर हम कंडीशन ये सेम लगा दें कि अगर ए ऑफ आई, यहां देखिए ग्रेटर देन था, हम यहां पर लेसर स्मॉल अगर लिख दें स्मॉल, ठीक है, और फिर यहां पर अगर ये ए ऑफ आई स्मॉल से छोटा है तो स्मॉल जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे ऑफ आई से। अगर हम ये लिख दें, ठीक है, यहां देखिए ये फॉर लूप यहां खत्म कर दें, तो ये इस एल्गोरिथम से हम लार्जेस्ट एलिमेंट को और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं अमंग nth एलिमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। Finding largest element and smallest element among nth element के algorithm को and इसके logic को समझने के बाद चलिए इसे machine में implement करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर C language में program जो मैंने लिखा है, integer a जो है array मैंने लिया है और इसका size जो है 10 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि array जो है इसका drawbacks है कि इसका size fixed है, और हम जो यहाँ पर लिए हुए हैं ये साइज हमारे यहाँ 10 है, आप अपने अनुसार 10 के जगह में जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आई वेरिएबल लिया है मैंने, एन लिया है, लार्ज लिया है, मैक्स लिया है, जैसा कि मैंने अपने एल्गोरिथम में डिस्कस किया है, आप उस एल्गोरिथम को फिर से देखिएगा। यहाँ देखिए प्रिंट अप स्टेटमेंट से हाउ मेनी एलिमेंट्स ये डिस्प्ले हो रहा है, ये यूजर को इनपुट के लिए दिया जा रहा है, और जो भी इनपुट यूजर करेगा उसे एन में हम लोग स्टोर कर लेंगे, और यहां पर मैक्स जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देंगे एन से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर जो लिखा जा रहा है प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट से, इंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है, अप टू एनथ एलिमेंट तक करेंगे क्योंकि मैक्स जो है वो एन हो चुका है। अब यहां पर ये जो एलिमेंट्स इनपुट के लिए जो है फॉर लूप चलाया गया है ये जो है हम लोग जानते हैं, तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए जैसा कि मैंने एल्गोरिथम में डिस्कस किया, आप एल्गोरिथम को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, लार्ज नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम लोग ए ऑफ जीरो को असाइन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग लार्ज मान लेंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आई जो है आई वन से स्टार्ट होगा और ये मैक्स तक जाएगा, यानी कि लेसर देन मैक्स तक हो जाएगा ये, एंड आई प्लस प्लस ये फॉर लूप चलाया है हम लोग। इफ कंडीशन यहां लगाया है, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर ए ऑफ आई जो है लार्ज से बड़ा है तो
तो ए ऑफ आई के वैल्यू को लार्ज में असाइन कर देंगे। ठीक है, यहां पर एरे एलिमेंट्स को हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं जितना भी एलिमेंट्स इनपुट किया गया है वो हम लोग सिंपली यहाँ आउटपुट स्टेटमेंट से देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में इनपुट आउटपुट के लिए न्यू लाइन देते हुए हम लिख रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट इज परसेंटेज डी। हम लोग केवल लार्ज एलिमेंट को यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, बिल्ड एंड रन। हाउ मेनी एलिमेंट्स ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो अभी हम लोग डाल रहे हैं सपोज 8। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इंटर एरे एलिमेंट्स, तो एरे एलिमेंट्स हम लोग 8 ही डाल पाएंगे। तो यहाँ डाल रहे हैं हम, देखिए 6 डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, 23, 45, 67, 89, 90, 1। तो देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमें मिल रहा है एरे में, जो हम लोग एलिमेंट डाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हम डाले थे, इनपुट किए थे, और इसमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो देखिए हमारा 90 है, जो कि हमें डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, फिर से इसे रन करते हैं। सपोज कीजिए कि हम 5 एलिमेंट्स ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग ले रहे हैं, तो हमें 5 एलिमेंट्स को ही इनपुट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए हम 9 डाल रहे हैं, 8, 6, 5, 2, ओके। तो देखिए यहाँ पर 5 एलिमेंट जो है ये इनपुट हुआ है एरे एलिमेंट्स में, 5 एलिमेंट इनपुट हुआ है, और इसमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 9 है, जो हमें मिल चुका है। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैंने केवल लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट, अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग nth एलिमेंट। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग nth एलिमेंट, अगर ये प्रोग्राम आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने सफलता को, अपने इम्प्लीमेंटेशन को जरूर लिखिएगा, सक्सेसफुली कमेंट आप जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें बिलीव हो जाए कि आपको समझ में आता है हमारा एल्गोरिथम। ठीक है, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में ना, और घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।